अच्छा क्वालिटी अच्छा है। हाँ 18 महीना का बच्चा इतना हाइट लगाया हुआ है। हाँ नहीं कलर भी जो है नोकरा है। हाँ और नस्ल मड़वाड़ है, अच्छा घोड़ा है। अच्छा सबसे एक उधर बच्चा है 25,000 का। 25,000 का। और इनका प्राइस है? इसका दाम है 11 लाख। बाप रे बाहुबली। वो जो है कि ऑनलाइन देख कर यूट्यूब वगैरह न्यूज पर उसको पसंद पड़ गया। इसीलिए फिर पंजाब जाके बच्चा लाएंगे। पंजाब से बच्चा लाते हैं? हाँ वहीं से ब्रीड मिलता है बढ़िया। हाँ हाँ पंजाब और राजस्थान। नमस्ते, ये गुड मॉर्निंग बिहार का यूट्यूब चैनल है जहां हम आपको बिहार के डेवलपमेंट से जुड़ी हर खबर दिखाते हैं। सोनपुर मेला से निकले वीडियोस पूरे देश भर में खूब देखे जा रहे हैं और सोनपुर के थिएटर से ज़्यादा कुछ अगर चर्चा में है तो वो यहाँ का घोड़ा बाजार है। हम लोग भी पहुँच गए हैं, देखिए पीछे हमारे घोड़े हैं। हालांकि जो सबसे चर्चित घोड़ा था बाहुबली वो तो बिक गया, यूपी के बाराबंकी से ग्राहक आए थे उसे सोनपुर में खरीदने, मगर अब यहाँ पे जो केयरटेकर हैं उनसे जानते हैं कि और कौन से घोड़े हैं और क्या खासियत है। अच्छा आपका नाम क्या है सबसे? हमारा नाम मोहम्मद साजादा खान है, हमारा घर शेखपुरा बसंतपुर थाना में है, जिला सिवान। जिला सिवान? जी जी। अच्छा तो आप लोग घोड़ा का ही कारोबार? हाँ हम घोड़ा खरीद बेच करते हैं। हाँ। इंडिया के हर एक कोने में। अच्छा ये बाहुबली के बाद जो सबसे तगड़ा घोड़ा है आपके इसमें वो कौन सा है? कटप्पा भी बिक गया, एक घोड़ा यही बच गया है, 18 महीना का बच्चा सुल्तान है। सुल्तान। अच्छा बाहुबली और कटप्पा का क्या खासियत था? ठीक था, अच्छा घोड़ा था, वो बिक गया, एक है उसके बाद यही घोड़ा है। अच्छा सुल्तान। तो घोड़ा कैसे लोग चूज करते हैं कि कौन सा बढ़िया है? अच्छा क्वालिटी अच्छा है। हाँ 18 महीना का बच्चा इतना हाइट लगाया हुआ है। हाँ अभी और ऊंचा होगा? हाँ हाँ 63 इंच 64 इंच होगा। अच्छा और क्या चीज है? बाल देखकर या स्किन देखकर के लोग? स्किन नहीं, कलर भी जो है नोकरा है। हाँ और नस्ल मड़वाड़ है, अच्छा घोड़ा है। अच्छा हाँ क्वालिटी अच्छा है। तो दौड़ और भी होता है? डांस वांस कराते हैं, चलाते हैं, बस ज्यादा दौड़ धूप उतना हम लोग नहीं कराते, हम सौदागर हैं। अच्छा किसान जो आते हैं वही अपना दौड़ा के दौड़ाते हैं। हाँ उनको टाइम है। हम मेला में आए थे देखे थे इधर जी जी दौड़ हो रहा था। जी जी हम लोग सौदागर हैं, हम लोगों को टाइम किधर है, इतना घोड़ा है। कितना सारा घोड़ा है अभी हमारे पास? अभी 8 घोड़ा बच गया। 8 घोड़ा बच गया। सबका रेंज क्या है? सबसे सस्ता वाला कौन सा है? सबसे एक उधर बच्चा है 25,000 का। 25,000 का। और इनका प्राइस है? इसका दाम है 11 लाख। बाप रे 11 लाख। तो क्या है, क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे आंकलन होता है प्राइस का? और ये सब घोड़ा 3.5 लाख का है। हाँ इसका नाम क्या है? इसका नाम शेरा है और बगल में शमशेरा है। शमशेरा है वो? हाँ। कितने का है? उसका 2.25। तो डांस कौन सा करता है? डांस जो कर घोड़ा करता था वो बिक गया। अच्छा अच्छा। और घोड़ी है वो 95,000 की। वो ये 95,000 ये वाली। अच्छा और उधर जो है उसका बताया? 25,000 बच्चा है, एक ही बच्चा बच गया। अच्छा और इधर एक टाइगर है हमारे पास, दिखाइए राकेश भाई, इधर टाइगर भी है। टाइगर के पास जूम कीजिए। हाँ तो ये टाइगर है, टाइगर कितने का है? ये 3.25 का है। 3.25 का है, मतलब अभी सबसे तगड़ा आपके पास ये है। एक घोड़ा हमारे पास 1.60 का है, ये भी नोकरा है। 1.60 का। क्या नाम बताया था उसका सबसे पहले वाले का? सुल्तान। सुल्तान। हाँ तो इस तरह से आपके पास घोड़े हैं जी, जी। तो बाराबंकी से महिला आई बाहुबली को लेने? हाँ हाँ बाहुबली। वो जो है कि ऑनलाइन देख कर यूट्यूब वगैरह न्यूज पर उसको पसंद पड़ गया। इसीलिए आ गई। और दूसरा कटप्पा कितने का बिका? कटप्पा बिका था 3.5 लाख। 3.5। उनको कहाँ के लोग ले गए? समस्तीपुर का आदमी लेके गए। अच्छा तो अभी बाजार में मतलब आप लोग जगह जगह पर इस तरह कैंप लगाए हुए हैं? हाँ ऐसा ही हमारा इधर ही लगता है। अच्छा, कभी अच्छा। भी हम इधर ही मिलेंगे। आप इधर मिलेंगे? जी जी। और भी आपके जैसा कोई है यहाँ व्यापारी? नहीं नहीं कोई नहीं है, सब खत्म, हम ही सब अभी किसान लोग आए हुए हैं जो? नहीं नहीं वो सब किसान चले गए, मेला अंतिम चरण में चल रहा है, खत्म हो गया। अच्छा आप टोटल कितना घोड़ा बेच लिए? हमारा घोड़ा 40 से 45 आया था, अभी 8 घोड़ा बचा हुआ। वाह क्या बात है। तो टोटल आप सिवान से ही काम करते हैं कि बिहार से बाहर? नहीं नहीं हर एक कोने में। अभी हम जाएंगे सारनखेड़ा में, एक नंदुबार जिला में लगता है सारनखेड़ा मेला। किस राज्य में? वो गुजरात में है। गुजरात। फिर वहाँ खरीद बेच करके मालेगांव जाएंगे महाराष्ट्र। अच्छा फिर वैसे ही बेचते MP UP होते फिर बिहार में आ जाए। देश भर में घूम घूम के घोड़ा बेच रहे हैं। फिर पंजाब जाके बच्चा लाएंगे। पंजाब से बच्चा लाते हैं? हाँ हाँ वहीं से ब्रीड मिलता है बढ़िया। हाँ हाँ पंजाब और राजस्थान। अच्छा पंजाब और राजस्थान से लाते जी हैं। जी जी हमारा कांटेक्ट नंबर भी डाल दीजिएगा। अच्छा आप बताइए मोबाइल। हाँ हाँ मीटिंग के काहे में? हाँ 8 8 4 3 4 8 9 2 0 5 4
चलिए बहुत बढ़िया है। कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी आदमी घोड़ा बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, ऑनलाइन से लेकर और पे फोन तक हम ले लेते हैं। इधर अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। बढ़िया है। फिर इन लोग को आप फिर रख रखाव कहाँ करते हैं? वहाँ से बच्चा लाए सिवान में रखे? हाँ, थोड़ा दरवाजे पे 10 घोड़े रहते हैं, बाकी हम पूरा मेले में ही रहते हैं। अच्छा, मेला मेला कभी महाराष्ट्र कभी बम्बई। तो मान लीजिए कोई सिवान जाएगा वहाँ तो फिर कौन मिलेगा? वहाँ से भेज देंगे हम ऑनलाइन से, होम डिलीवरी करके ऑनलाइन से। ट्रेवल्स खर्चा उसका रहेगा, ट्रेवल खर्चा जो बात है सच्चाई बता देंगे ऑनलाइन दिखा कर, जमेगा तो दे देंगे। तो ये घोड़ा बाजार है, आपने बात किया सुना, और ऐसे घोड़ों की का बाजार चल रहा है, ऑनलाइन होम डिलीवरी हो रही है, ये इसको कह रहे हैं? इसका क्या सीन है, क्या कितने का है ये? 3.5 लाख का है। 3.5 लाख का है। क्या नाम है इनका? नाम क्या रखे हैं? उसका नाम है प्रिंस। प्रिंस नाम रखे हैं, वाह। तो घोड़ा बाजार लगा है, लोग बिहार के बाहर से आकर यहाँ सोनपुर मेला जो प्रसिद्ध है, बहुप्रसिद्ध सोनपुर मेला, यहाँ से घोड़े ले जा रहे हैं। आप कहाँ से आए चाचा? हम तो आए फुलवाड़ी शरीफ थाना हिंदुनी की बस्ती है, घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। तो क्या आपको आकर्षित किया सोनपुर मेला के बारे अभी में? तो अभी किए हैं तो देखने हैं तो। अच्छा अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मेला इस पर लगा है। तो लगा क्या, 3 साल के बाद लगा है। आप भाई साहब ब्लॉगर हैं? आप कहाँ से आए हैं? भागलपुर से है। क्या नाम है आपके चैनल का? न्यू आरके है यूट्यूब चैनल। न्यू आरके यूट्यूब चैनल। कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 2000+ है। अच्छा, तो आप देख रहे होंगे कि खूब इस बार वीडियोस जो है चल रहा है, घोड़ा टा चल रहा है, थिएटर टा चल रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर टा पूरा चल रहा है। 3 साल बाद इस बार मेला लगा है तो लोगों में बहुत उत्साह है, और सरकार में भी हम देख रहे हैं कि इस बार पॉजिटिव एटीट्यूड है इस मेला को लेकर के, इसका प्रचार चैनल वैनल पे दिखा रहा है थोड़ा, है ना? इस बार बहुत मतलब आकर्षित, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए सर आप? हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। तो जगह जगह से देखिए कि लोग आकर यहाँ पे घोड़ा बाजार और सोनपुर मेला घूम रहे हैं। इस बार सोनपुर मेला का रौनक और देखते बन रहा है, उधर मेले के और नज़ारे भी हम आपको दिखाएंगे। और 3 साल के बाद लगा है तो व्यापारियों के लिए भी, आगे आ जाइए राकेश, उधर घोड़ा है, आपको चोट लग सकता है। तो व्यापारियों के लिए भी, लोगों के लिए भी सोनपुर मेला एक आकर्षण का केंद्र बना है, और इस बार सरकार भी जो है हेरिटेज कैंप्स लगा करके, लोगों के वॉशरूम की व्यवस्था करके, और एड वगैरह एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे भी इस बार खर्च किया गया। तो एक अच्छा अप्रोच सोनपुर मेला को लेकर के हमें सबका देखने को मिल रहा है। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।